नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बैंक फ्रॉड मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी बैंक मैनेजर को क्राइम ब्रांच पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्रा बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ होने के कारण अपने पद का दुरुपयोग कर 2 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां राजस्थान में अपना नाम और पहचान बदलकर आरोपी फरारी काट रहा था। दरअसल संयोगितागंज पुलिस ने छावनी की आंध्रा ब्रांच में पदस्थ राजकुमार मीना के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, जहां अलग अलग 5 मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। बैंक लोन दिलाने और गोल्ड लोन सहित कंपनी के फर्जी दस्तावेज और अकाउंट खाता खुलवाकर लगभग 2 करोड़ रुपए की बैंक राशि निकालकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने के साथ ही आरोपी फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच और संयोगितागंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजकुमार मीणा पर 40,000 का इनाम घोषित था, जो राजस्थान में अपना नाम और पहचान बदलकर फरारी काट रहा था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं उससे महत्वपूर्ण दस्तावेज ठगी की गई राशि के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये वर्ष 2019 में 5 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी, हेर फेर किया गया था। इसमें आरोपी राजकुमार मीणा जो बैंक मैनेजर थे, ये तब से ही फरार थे। तो क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते उनको जयपुर से गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में अभी विवेचना की जा रही है। सर, अभी इनको 12 तारीख तक पीआर पर लिया गया है और पीआर के दौरान इनसे पूछताछ की जा रही है। तो अभी एक प्रकरण है जिसमें 40 लाख की ठगी की थी, उसके संबंध में पूछताछ जा रही। फिर बाद में 1.5 करोड़ का भी प्रकरण है, उसमें भी पीआर लिया जाएगा। अभी जो इनके द्वारा क्या कृत्य किए गए हैं और उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। सर, क्या बैकग्राउंड क्या आरोपी का? आरोपी आंध्रा बैंक में मैनेजर के पद पे था और अपने पद जो करते हुए था उनमें लापरवाही की थी और आरोपियों के साथ मिलकर गबन किया। तो धोखाधड़ी कैसे करता था ये? क्या लोगों से पैसे लोन दिलाने के नाम? दूसरे आरोपी थे, वो एजेंट थे, वो लोगों को लेके आते थे, उनसे कागज वागज लेके उनके नाम पर लोन ले लेते थे और लोन लेने के बाद में फिर जो काम करने के लिए लोन मिलता था वो नहीं करके दूसरे कामों में पैसा खर्च कर देते। सर, आरोपी पर 40,000 का भी इनाम घोषित कर रखा था, तो इसमें अलग अलग के दौरान कुछ वारदात अंजाम दिया? नहीं, फरारी के दौरान तो ये छुप के रहकर अपना पहचान छुपा कर रह रहा था और अभी इसकी जानकारी ली जा रही है। अगर कोई अन्य अपराध किया होगा तो वो भी जानकारी दी जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।